Hello students of class 10. Today we will be starting the topic excretion in animals, which is a part of your chapter first, that is the life process 1. Now first of all, just starting, what do we mean by excretion? If we write over here excretion, then the process of excretion means removal of all the metabolic waste. Metabolism, by the word metabolism, what we mean? Now all the catabolic and the anabolic processes which are going on throughout our body, that is like digestion, the respiration, okay, the circulation, each and everything. All the metabolic activities, जो भी हमारे body के अंदर हो रहा है और उस होने के बाद में जो भी वेस्ट निकल रहा है बॉडी से, वो सारे वेस्ट का जो रिमूव होता है, उस रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को हम लोग नाम देते हैं एक्सक्रीशन। कोई दिक्कत? ठीक। अब हम लोग देखेंगे सर कि जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब होके एसिमिलेट हो जाता है हर तरफ, जो बचा हुआ रहता है विच गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड। And after that, undigested food इकट्ठा होके और defecation होता है, that is fecal matter के रूप से वो anus से निकल जाता है। Clear? My question is that removal of the undigested food in the form of fecal matter or feces, जो हम लोग बोलते हैं, can I say this as a part of excretion? क्या मैं उस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को बोल सकता हूं कि यस दैट बिलोंग्स टू एक्सक्रीशन? व्हाई एंड व्हाई नॉट? ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं बहुत अच्छी तरह कि एक्सक्रीशन के अंदर हम लोग जो मेटाबॉलिक वेस्ट को ले रहे हैं सर, दैट वेस्ट इज नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। समझ में आया सर? ठीक। तो एक्सक्रीशन के अंदर हम लोग कौन से वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट दे आर रिच इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड। कोई दिक्कत? ठीक है। और इस नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के आधार में मैं इस वेस्ट प्रोडक्ट को तीन हिसाब से डिवाइड कर सकता हूं। आइदर इट कैन बी अमोनिया, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग जो रेस्पिरेशन का, सॉरी एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग मेनली डील करेंगे विद द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन द वेस्ट, दैट इज आइदर दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, और इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। क्लियर? ठीक। अब क्वेश्चन है कि सिर्फ यही हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है विच आर रिमूव थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है विच नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो अगर हम लोग यहां पर करेंगे सम अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो इसमें से क्या क्या हो जाएगा सर? सबसे पहला वेरी गुड एग्जाम्पल विल बी दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कब रिलीज होता है सर? न जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, सेल्युलर रेस्पिरेशन के अंदर होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जब जो ग्लूकोज है या फूड पार्टिकल है या स्पेशली पाइरूविक एसिड जो है, दैट डिग्रेड्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। और एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, और साथ साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लडों में आके और फिर वो डिफ्यूजन होते हुए वो लंग से बाहर निकल जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सिमिलरली वी कैन से कि हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे ऐसे प्रोसेसेस है। अगेन कौन से प्रोसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेस। आइदर इट कैन बी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस।
है ना। और ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है जिसका बाई प्रोडक्ट के हिसाब से वाटर इज रिलीजिंग आउट। सो वाटर कैन बिकम अनदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल सॉल्ट्स कहां से हो रहा है सर? ना बाइल का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या इमल्सिफाइड जो लिपिड्स होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर, है ना। और जब ये लिपिड मेटाबॉलिज्म चलता है तब कई सारे ऐसे आपके सॉल्ट्स रिलीज होता है कहां से? फ्रॉम द लीवर। क्लियर है? ठीक। तो उस पर्टिकुलर सॉल्ट्स को हम लोग नाम देते हैं बाइल सॉल्ट्स। दे आर ऑल्सो रिलीज एज आ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहां से? फ्रॉम द लीवर। ठीक। साथ साथ कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं सर, और बाइल पिगमेंट्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा द बिली रूबिन और दूसरा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बिलीवर्डिन। ये दोनों जो आपके बाइल पिगमेंट्स है ये भी जब हमारा द वोर्न आउट आरबीसी या जो आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। तो ये 120 डेज के आसपास जब आरबीसी का एक सेल पहुंच जाता है वो फिर धीरे 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 आपका डेड होके वो आ जाते हैं इन द लीवर। क्लियर है? लीवर के सेल्स क्या करते हैं? उस वोर्न आउट आरबीसी से जो आयरन कंपाउंड है दैट इज द हेम पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन, ठीक, उसको मेटाबोलाइज करता है। और उस मेटाबॉलिज्म में जब आपका हेम पार्ट का मेटाबॉलिज्म होता है तब दो आपके पिगमेंट्स लीवर से निकलता है, एक हो जाएगा बिलीरुबिन और दूसरा हो जाएगा बिलीवर्डिन। ठीक है? तो बोथ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर कॉल्ड बाइल पिगमेंट्स व्हिच आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्लियर? और फाइनली जो फिफ्थ नंबर आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ठीक है? और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स किन किन रूप में होगा? आइदर दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। क्लियर सर? एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैंने अभी तक बोल दिया कि हाँ ये तो आपका रेस्पिरेशन में होगा, ये बाई प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेगा, ये दोनों तो आपके एक तो आपके लिपिड्स के अंदर और एक आपका जब वोर्न आउट हेम पार्ट आपका रिलीज होगा तब जाके आपकी ये सारी चीज रिलीज होता है। बट ऐसे क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे आपका ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड रिलीज हो? सर हमारे बॉडी में जितने भी आपके, अगर मैं बोलू प्रोटीन कंपाउंड्स, प्रोटीन्स के आपके किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड्स। तो जनरली प्रोटीन डाइजेशन के वक्त आपके काफी सारे जो अमाइनो एसिड्स निकलता है उस अमाइन ग्रुप से ही बनता है आपका ये सारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। कोई दिक्कत सर? क्लियर? ठीक। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि कैसे करके हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं ऑन द टाइप ऑफ द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स दे आर एक्सक्रीट। क्लियर? चल। सो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ना? हमें अभी पता चला था कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। दैट इज इफ आई टॉक अबाउट वन विल बी अमोनिया, एक हो जाएगा यूरिया और दूसरा हो जाएगा यूरिक एसिड। अब सबसे पहले हमें यहां पे देखना है कि दोज ऑर्गेनिजम्स जो रिलीज करते हैं द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दोज ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? ठीक। सो विच आर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स? Those organisms which release ammonia as an excretory product, they are said to be ammonotelic in nature. Similarly, those organisms which release urea as the nitrogenous waste product or the excretory product are known as ureotelic organisms. And those organisms which
release uric acid as their excretory product. They are said to be uricotelic organisms. Clear? So according to the waste product, we have differentiated organisms into three basic divisions. One will be ammonotelic, ureotelic, and uric acid se uricotelic. Clear it? Thik? Chaliye dekh lete hain kuch kuch basic points. Jaise karke hame yaad rakhna hai examples of certain kind of uricotelic, ureotelic or ammonotelic organisms. Sir, in tino mein se sabse zyada jo highly toxic hai, that is your ammonia. Samajh mein aaya? This is highly toxic waste product. Toxic ka matlab kya hai? Deadly harmful, jo hamare body ke liye. Matlab kya hai? Agar ammonia hamare body ke andar ban raha hai, to wo ammonia agar bahut zyada der tak hamare body ke andar rehta hai, to it will be going to harm our body. Clear? To jaise jaise ammonia banta rehta hai, तुरंत उसका एक्सक्रीशन भी होना चाहिए. दैट इज इट शुड बी रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी कॉन्स्टेंटली. क्लियर है? और अगर मैं यूरिया की बात करूं, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया बट मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड. क्लियर है? यूरिया जो है अमोनिया से तो लेस टॉक्सिक है, लेस हार्मफुल है, बट वो यूरिक एसिड से थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है. क्लियर है? और फाइनली अगर ये हाईली टॉक्सिक है तो जो यूरिक एसिड है, दिस इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट. क्लियर है सर? समझ में आया पहला डिफरेंस तीनों में? हाईली टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक देन आपका अमोनिया बट मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड. और यूरिक एसिड क्या हो जाएगा? लीस्ट टॉक्सिक. नेक्स्ट सर, अमोनिया विल बी हाईली सॉल्युबल इन वॉटर. अमोनिया कैसा होगा? इट विल बी हाईली सॉल्युबल इन वॉटर. ठीक है? और अमोनिया का मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, उस टॉक्सिसिटी को हम लोग घटाएंगे कैसे? उसके अंदर पानी ऐड करके, क्योंकि वाटर जो है वो एक डायलाइजिंग मतलब एक डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन की तरह काम करेगा. वो डाइल्यूट कर देगा किसी का आपका टॉक्सिक और हार्मफुल इफेक्ट को. तो सिमिलरली आपका जो हाईली टॉक्सिक है दैट इज अमोनिया, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होगा ताकि इसका जो आपका टॉक्सिसिटी है वो घट जाए. क्लियर है? ठीक. यूरिया जो है वो अमोनिया से लेस सॉल्युबल है. ठीक. क्लियर? सो दिस इज लेस सॉल्युबल इन वॉटर देन अमोनिया. ठीक है सर? और जो यूरिक एसिड है, दिस इज वेरी मच अगर मैं बोलेंगे तो इट विल बी इनसॉल्युबल इन वॉटर. ठीक है? यूरिक एसिड जो है इट इज वेरी मच ऑफ इनसॉल्युबल इन वॉटर्स. क्लियर? अब देख लेते हैं आपका कि अमोनिया कौन रिलीज करेंगे सर. ना जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे. एक्वेटिक मतलब पानी, जो पानी में रहने वाले. क्यों? क्योंकि पानी चाहिए होगा इस अमोनिया को, टॉक्सिक को आपका कम करने के लिए. और इट इज हाईली सॉल्युबल इन वॉटर. Therefore, generally all the aquatic organisms, ठीक, be it जो lower invertebrates है, ठीक, be it your fishes, clear, ये सारे के सारे जो होंगे वो आपके ammonotelic organisms होंगे. So aquatic, invertebrates, उसके बाद aquatic जो आपके fishes, ये सारे के सारे आपके इवन इफ आई से लार्वल एम्फीबियंस. लार्वल एम्फीबियंस मतलब लार्वा मतलब क्या है सर? जो ये आपका एग बनता है या डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, इंसेक्ट्स के अंदर जाइगोट से पहला जो स्टेज होता है दैट इज लार्वल स्टेज.
ठीक, जहां पर आपका क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसके अंदर होता है, द एडल्ट के साथ जो छोटा लार्वा है उसका कोई भी आपका रिजेम्बलेंस अपीयरेंस नहीं होता है, तो उसको हम लोग लार्वल स्टेज बोलते हैं। तो लार्वल एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब जैसे कि फ्रॉग्स, जैसे कि टोड, सैलामेंडर, तो उनके जो आपके लार्वल स्टेज है दे जनरली आपका रहता कहां पर है, पानी के अंदर, तो दे आर एक्वेटिक, ठीक, एंड हेंस दे ऑल्सो रिलीज अमोनिया एज द बाई प्रोडक्ट। कोई दिक्कत सर, क्लियर? इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार यूरिक एसिड को देख लेते हैं। सर यूरिक एसिड जो जो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं वो जनरली आपके होंगे टेरेस्ट्रियल, ठीक, और टेरेस्ट्रियल ये आपके बिल्कुल सॉलिड वेस्ट के जैसे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे सर? इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड वेस्ट। तो कौन कौन निकालता है सर? जनरली जो रेप्टाइल्स होंगे, जो बर्ड्स होंगे, जो मेनली क्या करता है ना, जो शेल्ड एग्स प्रोड्यूस करता है। कैसे याद रखेंगे हम लोग? दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस शेल्ड एग्स, ठीक, जिसके अंदर रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, जिनके अंदर बर्ड्स भी आ जाते हैं, ये आपके जनरली किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे? यूरिकोटेलिक। व्हाई? बिकॉज दे रिलीज यूरिक एसिड एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं यूरियोटेलिक, जैसे कि हम लोग, जैसे कि जो जितने भी मैमल्स है, बी इट द मैमल सी, वेल इज ऑल्सो अ मैमल, सो वेल इन स्पाइट ऑफ बींग एक्वेटिक दे रिलीज यूरिया एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्लियर है? तो जितने भी मैमल्स है, सब के सब मैमल्स क्या होंगे? दे विल बी यूरियोटेलिक। कोई दिक्कत सर? यहां पर तुरंत देख लेते हैं सर, अमोनिया जो है वो हमारे बॉडी के अंदर भी बनता है, क्लियर, बट ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है सर? ये जो अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, अमाइन NH2 ग्रुप, तो वो करके आपके हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया लीवर के अंदर, कहां पर? लीवर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जुड़ जाता है और जुड़ के एक कंपाउंड बनाता है, जिस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं NH2, और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ही हम लोग नाम क्या देते हैं सर? इसको हम लोग नाम देते हैं यूरिया। क्लियर है? ठीक। सो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैमल्स, कब? न जब लीवर के अंदर अमोनिया विच इज फॉर्म्ड इज गेटिंग मिक्स्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इंटरैक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड यूरिया, ठीक, और साथ में क्या हो जाएगा? साथ में यहां पर आपका पानी रिलीज हो जाएगा। मैं यहीं पर लिख देता हूं सर, प्लस वॉटर विल बी रिलीज आउट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। तो ये किसके अंदर होंगे? जितने भी मैमल्स होते हैं, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं सर, ये आपके मैमल्स के अंदर होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? क्लियर है? तुरंत एक बार देख लेते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक किसको बोलेंगे? जो अमोनिया रिलीज करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। अब इसके बारे में क्या जान सकते हैं हम लोग? अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक आपका होगा अमोनिया, एंड हेंस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर टू बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक। सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर लिविंग इन अराउंड वाटर, दैट इज द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे कैन इजिली एक्सक्रीट आउट अमोनिया, एंड हेंस ऑल द एक्वेटिक फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स टू फिशेस टू द लार्वल एम्फीबियंस, दे ऑल आर रिगार्डेड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिलीज यूरिक एसिड एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्लियर?
कौन कौन होंगे सर? जितने भी टेरेस्ट्रियल आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो शेल्ड एग्स देते हैं, ठीक, क्लियर है, जिनके एग्स एक शेल के अंदर होते हैं, एक शेल के अंदर आपके उनके एग्स हैच आउट होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, जैसे कि बर्ड्स, इनको हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट ये देते हैं, दे आर जनरली इन सॉलिड वेस्ट एंड हेंस दे आर कंसिडर्ड टू बी द यूरिकोटेलिक बिकॉज दे रिलीज आउट यूरिक एसिड. यूरियोटेलिक, जैसे कि हम लोग, हमारे अंदर क्या हो रहा है ना, लीवर के अंदर जो भी अमोनिया बन रहा है वो अमोनिया इज गेटिंग अटैच्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड द यूरिया, ठीक, और इसके साथ साथ वॉटर इज रिलीजिंग आउट. ये यूरिया अब अगेन ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज किडनी के अंदर ले आएगा और यहां पर आपका शुरू होगा, ब्लड से सारे यूरिया आपका अलग हो जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विल टेक प्लेस, दैट इज यूरिया अलॉन्ग विथ वॉटर विल बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूरियोटेलिक दैट इज आवर सेल्स. हमारे अंदर यूरिया बाहर निकलेगा सर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है अच्छी तरह. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी विच इज अवर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अवर बॉडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग दैट ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये क्या क्या ऑर्गन्स आपके ये पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहा है. स्टार्टिंग विथ वी विल बी हैविंग अ बीन शेप्ड ऑर्गन और ये बीन शेप्ड ऑर्गन का नाम हो जाएगा क्या, किडनी, ठीक. तो ये किडनी क्या है ना, इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज रेडिश ब्राउन इन कलरेशन. इसका कलरेशन कैसा है, सबसे पहले हमें जो पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलरेशन. इसका शेप कैसा है, इट इज अ बीन शेप्ड, ठीक. और कहां पर प्रेजेंट होता है सर, दिस इज प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन. कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द अपर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होगा. हमारे अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, यह ध्यान रखिएगा, ये जो दो किडनी हमारा था, राइट एंड द लेफ्ट किडनीज जो है, ठीक सर, मैंने बोला था कि दिस इज द वेंट्रल साइड एंड दिस इज द डोर्सल साइड, पीछे के साइड, पीठ के साइड जिसको हम लोग बोलते हैं. तो किडनीज आर जनरली प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी, क्लियर है, ठीक, इन द अपर एब्डोमेन पोर्शन, क्लियर, ठीक. तो जैसे ही आपका ये जो डायग्राम है विच इज डिवाइडिंग द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल गट पोजिशन, तो यहां पर हमारे लंग्स और लीवर प्रेजेंट है सर, क्लियर है. तो इस लीवर के प्रेजेंट के वजह से जो हमारा राइट किडनी है वो स्लाइटली आपका डाउन हो जाएगा देन योर लेफ्ट किडनी. मतलब क्या है, ये दोनों का जो पोजीशन है, ये दोनों का पोजीशन एक इक्वल नहीं है इन ह्यूमन बीइंग्स, क्लियर है. सो हमारे अंदर जो किडनीज है उसको हम लोग बोलेंगे दे आर एसिमेट्रिकल, दे आर एसिमेट्रिकल. वाई, बिकॉज जो राइट किडनी है वो राइट किडनी आपका थोड़ा सा नीचे होता है देन द लेफ्ट किडनी. कोई दिक्कत सर, समझ में आया. इसके साथ साथ ये फैक्ट भी आप याद रखिए, इसी कंडीशन का उल्टा, जो राइट किडनी है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, लेफ्ट किडनी जो है वो नीचे रहेगा. ये केस किसके अंदर है, इन रैबिट्स. तो रैबिट्स के अंदर क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट किडनी है वो नीचे होगा, जो राइट है वो ऊपर रहेगा. आया समझ, क्लियर है. अगर मैं बात करूं इन कैट्स,
कैट्स के अंदर लेफ्ट एंड राइट दोनों किडनी ही इक्वल हाइट और इक्वल पोजीशन में रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया अच्छी तरह? ठीक, तो ये जो आपका किडनीज है और एक बार देख लेते हैं, दे आर रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर विच आर, उसका शेप कैसा है? बीन शेप्ड। ठीक, कहां पर प्रेजेंट होगा सर? अपर एब्डोमेन, इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक, पीछे के साइड होगा। और कैसे? ना, जो अपना बैकबोन है, बैकबोन के एक साइड में आपका एक ही किडनी होंगे, मतलब अ पेयर ऑफ किडनीज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर? द पोजिशन ऑफ द किडनी एज सच, इट इज एसिमेट्रिकल इन ह्यूमन बींग्स, सच दैट जो राइट किडनी है वो स्लाइटली नीचे है देन द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर रहता है। यही कंडीशन रैबिट्स के अंदर उल्टा होता है, रैबिट्स के अंदर जो लेफ्ट किडनी है वो नीचे, राइट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर यही मैं कैट्स के अंदर बात करूं तो बोथ द लेफ्ट एंड द राइट किडनी आर इक्वली पोजिशन एट द डोर्सल साइड। समझ में आया? समझ में आया सर? ठीक, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में बाद में आ रहे हैं। तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट द किडनी। फाइनली इफ वी स्पीक अबाउट, वी विल बी हैविंग अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच विल बी ज्वाइनिंग। ठीक, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पेयर में रहता है इसको मैं नाम देता हूं यूरेटर। क्या नाम देते हैं सर? यूरेटर। ठीक, सो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एक्चुअली होगा क्या? थिन मस्क्यूलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो इट विल बी, सबसे पहले तो हमें याद रखना है थिन ट्यूब्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द किडनी विथ, किसके साथ? यहां पर हो जाएगा आपका द यूरिनरी ब्लडर। ये क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लडर। तो किडनी को यूरिनरी ब्लडर तक जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या होगा सर? दे विल बी द यूरेटर। सो इट कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लडर। कोई दिक्कत है सर? मतलब जैसे आपका यूरिन का फॉर्मेशन यहां पर हो जा रहा है, इस यूरिन को कलेक्ट करके और टेम्पोररी स्टोर करेगा कौन? यूरिनरी ब्लडर। तो ये क्या हो जाएगा सर? इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द यूरिन। क्लियर? तो यूरिनरी ब्लडर का काम क्या होगा? ये आपका टेम्पोररी स्टोर करेगा यूरिन को जब तक कि प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जैसे प्रेशर आपका यूरिन का यहां पर स्टोर होते होते बढ़ेगा, तैसे ही आपका एक अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब है द अर्ज ऑफ यूरिनेशन, अभी आएंगे। तो द यूरिनरी ब्लडर विल बी लीडिंग टू द ओपनिंग आउटसाइड दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा क्या हो जाएगा सर? इट कैरीज द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर एंड टेक्स टू द आउटसाइड, इट रिलीजेस द यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो मेन ऑर्गन्स क्या है? किडनी। दोनों किडनी से क्या निकल के आएगा सर? यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर विल बी कमिंग। यूरेटर आके किसके अंदर आता है? यूरिनरी ब्लडर, और यूरिनरी ब्लडर से फाइनल यूरेथ्रा के थ्रू द यूरिन इज पासेस आउट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? क्लियर है? अब हम लोग अगर एक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी की बात करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हम लोग देख ही लिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। एक ही किडनी को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं सर। क्लियर? सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि ईच किडनी इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर
and that structure is known as the कैप्स्यूल. किस क्या नाम देंगे सर इसको हम लोग? कैप्स्यूल. एक चीज और, जब हम लोग किडनी की बात करेंगे सर, जो भी पार्ट होगा किडनी का, उससे पहले हम लोग एक शब्द कॉमनली यूज करेंगे, दैट इज रेनल. और ये जो रेनल शब्द है, इस रेनल शब्द का मतलब ही होगा कि रेफर्स टू द किडनी. क्लियर है? तो ईच किडनी विल बी सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट इज द रेनल कैप्स्यूल. क्लियर है? इस रेनल कैप्स्यूल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम लोग दो पोर्शन में अलग डिवाइड कर सकते हैं, ये आउटर रीजन और ये इनर रीजन. तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सर, इसको हम लोग नाम देंगे द रेनल कॉर्टेक्स. क्या नाम देंगे सर? द रेनल कॉर्टेक्स. इसको हम लोग बोलते हैं द आउटर रीजन ऑफ द किडनी. कोई दिक्कत? जो इनसाइड पोर्शन है सर, इस इनसाइड को हम लोग नाम देंगे द रेनल मेड्यूला. क्या नाम देंगे सर? द रेनल मेड्यूला. ठीक, इसको हम लोग नाम देते हैं इनर रीजन ऑफ द किडनी. कोई दिक्कत? ठीक. नेक्स्ट सर, यहां पर एक आपका काफी सारे ऐसे करके कैलिसेस प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? काफी सारे ऐसे पिरामिडल कैलिसेस आपके प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दे आर कॉल्ड द कैलिक्स. रेनल कैलिक्स नाम देते हैं हम लोग. और जहां से यूरेटर, ये यूरेटर था ठीक, जो आके और आपके यूरिनरी ब्लड को कनेक्ट करेगा, ये जो पोर्शन है सर, इस पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं द रेनल पेल्विस. क्या नाम देते हैं सर? रेनल पेल्विस. कोई दिक्कत? तो तुरंत देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर एक बार ना. हर एक किडनी बाहर बाहर आपका एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहेगा, जिसको हम लोग नाम देंगे रेनल कैप्स्यूल. इंटरनली द किडनी विल बी डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस, द आउटर रीजन दैट इज द रेनल कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन विच इज नोन एज द रेनल मेड्यूला. क्लियर? जो आपकी ये रेनल पेल्विस है, ये अंदर की तरफ मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जिस पिरामिडल स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे कैलिक्स. क्लियर? और यहां पर इनसाइड दिस इंटरनल कैलिक्स काफी सारे ऐसे फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट विल बी प्रेजेंट. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स विल बी प्रेजेंट. और अगर एक पर्टिकुलर यूनिट की मैं बात करूं, तो इसको ही मैं नाम दे सकता हूं, विच इज कॉल्ड द नेफ्रॉन. क्लियर? ठीक. तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज नेफ्रॉन, सर नेफ्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इन किडनी. ठीक, मतलब ये जो एक्सक्रीशन का एक्चुअली काम कर रहा है, ये सिंगल सिंगल नेफ्रॉन आपका मिला के, और इट इज टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. सारे आपके नेफ्रॉन, एक किडनी के कितने नेफ्रॉन होंगे ना? अराउंड मिलियंस, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन एग्जिस्ट इन ईच ऑफ द किडनी. और ये सारे के आपके नेफ्रॉन के ऊपर जिम्मेदारी है कि सारे ही थोड़े बहुत यूरिन फॉर्मेशन में मदद करेगा. लास्टली ये सारा का सारा नेफ्रॉन जो यूरिन बना रहा है, दैट यूरिन इकट्ठा होकर आता है रेनल पेल्विस के अंदर, एंड थ्रू द रेनल पेल्विस through the ureter it is moving on to the urinary bladder and finally it will be released out through the urethra. कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? तो आज हम लोग पढ़े अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ, लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है. हम लोग ये भी पढ़े कि ये जो आपका डीफिकेशन था, मतलब फीकल मैटर जो रिलीज
हो रहा था, जिस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं, वहां इजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्रीशन, क्योंकि वो भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, बट कौन सा टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्लियर है, ठीक, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, क्लियर। तो एक्सक्रीशन हम लोग किसको बोलेंगे, ना जनरली द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट विच आर वेरी रिच इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। उसके बाद हम लोग देखें नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कितने प्रकार, तीन प्रकार के, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और उसके बिहाफ पे हम लोग पूरा एक डिफरेंस किए थे कि विच इज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात किए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड फाइनली द यूरेथ्रा, क्लियर। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अब एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एंड हाउ द नेफ्रॉन इज इंडल्जिंग इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, कैसे करके नेफ्रॉन काम करेगा, क्लियर, दैट विल बी डीलिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो टिल देन ये बहुत अच्छी तरह पढ़ना, मैं नोट्स भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, अगर कोई भी डाउट्स है तो जो नीचे कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख के मेरे पास भेजिए, मैं आपका नेक्स्ट क्लास में वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है। टिल देन थैंक यू।